वो तमाम सारे लोग जिनका हृदय से स्वागत है, और वो लोग जो युवा जिनसे देश का सपना है और वो जो सपना देखते हैं। मौर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौर्या जी सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने सवाल पूछा था कि राम गए कहां जो आएंगे, है ना, यही सवाल था ना आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मौर्या जी, याद है आपका सवाल जी। 6 फीट 4 इंच आपका नाम ही हमने रखा 6 फीट 4 इंच, बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल से वो जो तमाम सारे लोग मुझे पीछे दिख रहे हैं उन सबका, जो कश्मीर से हैं उन सबका, है ना। हाँ माथा भी पड़ना आलूम है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी सब, थैंक यू सो मच। ठंड ज्यादा है प्रभात जी आज क्या? हाँ जी ठंड लग ही नहीं सकती जब मैं यहां आ जाता। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए ठंड। एनडीएमसी के कर्मचारियों उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो अपनी बात जरूर कहें, मैं जरूर आऊंगा उनके पास। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे सबसे पहले आज तारुफ कराना चाहूंगा। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे लेकिन वो कहीं बीच में ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूनम पंडित आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं और मुझे इनका परिचय ये देना है कि ये चुनाव लड़ चुकी हैं। चुनाव लड़, नहीं नहीं बैठिएगा नहीं, अभी तो मुझे स्वागत करना है आपका। ये चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे शो में जो पहली बार आता है उसका ताली बजा के स्वागत होता है, बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी दूसरी बार आई, पहली बार मथुरा, मथुरा भी थी। अच्छा मथुरा में थी, पढ़ रही थी। देखिए आपके पास यहाँ आयो फिर मथुरा की मुझे याद आ गई, मैं मथुरा ही जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, मुझे याद आ गया आप वहाँ मथुरा के शो में थी, चुनाव आपने लड़ा कांग्रेस के टिकट से। बहुत बहुत स्वागत है और आज आपका अभिनंदन है और अपना बात रखिए, बहुत स्वागत है। संजीव नासियर साहब आम आदमी पार्टी के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार शो में हमारे आते हैं, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब पसमांदा मुस्लिम समाज से हैं, पसमांदा मतलब हाशिए पे, जो मुस्लिम समाज बिल्कुल हाशिए पर है उससे आप उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मिर्जा साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी थैंक यू सो मच, खड़े हो जाओ, अपने आप ही बता दो अपना नाम क्या है। मेरा नाम नवल उपाध्याय है। हाँ तो समझ लगे मैं डेढ़ दर्जन आदमी बुलाऊं, डेढ़ दर्जन का नाम पहले बताऊं। बंद सोम बंद आज से, अब नहीं बताऊंगा, डेढ़ दर्जन इकट्ठा हो पहले एक एक करके बताओ सबका नाम। मतलब एक दो हो तो बता भी दे, और डेढ़ दर्जन इकट्ठा है नहीं बताएंगे हम। ऑटो वाले नवल भैया जैसा कोई नहीं है, तैयारी कर लिए बेटा, तुमने भी चुनाव लड़ने की है ना, दो चार आदमी लेके चलने लगे हो तुम भी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एनडीएमसी की बात जरूर सुनेंगे, बीच में आऊंगा जब मैं एक बार अपनी, एक बार कह चुके हैं आप बात, दोबारा फिर कह लीजिएगा। बिल्कुल ये शो उन तमाम सारे लोगों का जिनको लगता है कि मेरी आवाज सुनी जानी चाहिए, मेरी बात कही जानी चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के इधर या सरकार के विपरीत, बात अपनी कही जानी चाहिए और यही जनतंत्र और लोकतंत्र का तकाजा है। बातचीत शुरू करें जी, इजाजत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मोदी की गूंज आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में है। हमारे बीच एक ऐसा नेता है जिन्होंने हम सबको विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य दिया है। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। मुझे मालूम है राम मंदिर पे आप लोग जरूर आएंगे, राम मंदिर पे जरूर बोलना चाहेंगे, मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा। राम मंदिर पे बोलना है बिल्कुल बोलिए, हम हृदय से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन डिबेट का आगाज यहां से करूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी आई नहीं है, मैं बात में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले अपोजिशन को ही दूंगा, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, बिल्कुल अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन चिंता इस बात की है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बने थे, उससे पहले अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री रहे, और 67 ईयर्स का जो राज रहा, मात्र देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्जा था। आज मोदी जी ने विकसित भारत बनाने की, बनेगा कब मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आज 125 लाख करोड़ कर्जा है।
वो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो तीसरी बार, अभी तीसरी बार 3 महीने बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी हो जाएगी। मैं वही बता रहा हूं आपको, ये कैसी अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस देश के अंदर कर्जा बढ़ रहा है, इस तरीके के डेटा हमारे सामने हैं। और आज हंगर इंडेक्स के अंदर हमारा नंबर बांग्लादेश से भी ऊपर है, मतलब बांग्लादेश में भी भुखमरी कम है, ये सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं। और आज एक अखबार में रिपोर्ट आई है पासपोर्ट को लेकर, पासपोर्ट में हमारे पासपोर्ट को 80वां नंबर दिया गया है। कुल मिला के हर सर्वे में देश नीचे जा रहा है, लेकिन मोदी जी और मोदी जी का जो मीडिया है, जो तंत्र है, वो उनको बता रहा है कि विकसित भारत। मोदी जी और मोदी जी का मीडिया, देखिए कहने का तो हक है, बोलने का तो हक है, और विपक्ष अगर ना बोले तो बिल्कुल। मैं सबसे बुजुर्ग जिन्होंने हाथ उठाया, मैं उनके पास इसलिए जाना चाहता हूं, आना रहा हूं, तुम्हारी उम्र से वो दुगने हैं, मैं इसलिए आपके पास आना चाहता हूं कि मैं ठंडी में ज्यादा देर आपको खड़ा नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि जल्दी कुछ बोले फिर उसके बाद आप घर जाएं। जी क्या नाम है साहब? मैं भी प्रिंट मीडिया से बिलोंग करता हूं। पहले तो मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। रिचार्ज मैन 215 2015 में रिटायर हुए और एज ए कैमरा ऑपरेटर, एज ए कैमरा मैन पर्सन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने 94 से लेकिन पीक 204 और उछाल 2014 से लेकिन अब कुरुक्षेत्र कनॉट प्लेस। सारा नक्शा खींच दिया इन्होंने मेरा, बोले 2004 में उठान, 2014 से फिर एकदम यूं। तो बुजुर्ग है हमारे, हमारी पत्रकारिता से कैमरामैन से ने, तो मैं स्वागत भी करता हूं उनका। और सर एक दो लाइन राम के लिए जरूर कहिए। भाई रे गंगा और यमुना की गहरी आगे और पीछे जाना है राम के द्वार। बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी सा जगह मिल जाए तो बैठिए, अच्छा लगेगा। आप हमारी इंडस्ट्री से हैं, कैमरा पर्सन रहे, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए रस्सी, उनको बैठाने की व्यवस्था करिए। और नसीर साहब ने कहा कि हमारा पासपोर्ट में 80वां स्थान है, हंगर इंडेक्स का नाम भी इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा कि कैसे विकसित भारत, कौन सा विकसित भारत, छोटा छोटा जवाब देंगे पहले चैलेंजी से, देन आप मुस्कुरा रही हैं, वजह मैं जानना चाहूंगा। जी जी मैं अंतिम जो इनका जो वाक्य था वहां से शुरुआत करूंगा। मोदी जी का मीडिया, अरे भैया आपसे उद्घाटन करवा दे मीडिया बात रखने का, फिर भी मोदी जी का मीडिया जो, और क्या कहते हो, माइक पकड़ा दें क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, माइक तो नहीं दिया सकता, माइक तो नहीं दिया जा सकता। आर्थिक बात पे आता हूं। बात करते हैं कर्जे की। क्योंकि अर्थव्यवस्था वही आदमी बात कर सकता है जो बैलेंस शीट को पूरी तरह पढ़े। 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, 5वें नंबर पे इंडिया है। सबसे ज्यादा कर्ज किसके ऊपर है? जापान के ऊपर है, 263% जीडीपी का। क्या वो भला कंगाल हो रहा है क्या? यूएस के ऊपर इंडिया से ज्यादा है, चाइना के ऊपर इंडिया से ज्यादा है, जर्मनी के ऊपर इंडिया से ज्यादा है। अरे कौन सा भाई तर्क दे रहे हैं आप? तो आधी अधूरी यूएस का, जापान का और चाइना का पर कैपिटा इनकम, आप अर्थशास्त्री है ना, बताइए पर कैपिटा इंडिया का कितना है? आराम से बैठिए, आराम से। बात वही है ना कि हमें अपनी सुविधा के मुताबिक जो चीज पकड़नी है। अरे भैया जो पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा पहले की तुलना में हमारी पर कैपिटा इनकम 2 गुने से ज्यादा हो गई है। पहले हम 83 थे पासपोर्ट में, अब हम 80 हो गए हैं। उसका भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं।
नहीं धीमे धीमे देखिए ऐसा है ना, आप होलिस्टिक उसमें देखना पड़ेगा। अभी आपने हंड्रेड इंडेक्स की बात की, एक ऐसी एजेंसी जो 2500 के सैंपल पे कोई सर्वे कर देती है और पाकिस्तान को भी हमको ऊपर जो हमसे ऊपर दिखाती है, जिसको हमने जो है भुखमरी के दौर में दुनिया का अनाज सप्लाई किया था, तो उसकी विश्वसनीयता पे जो प्रश्न खड़ा होगा या नहीं होगा? तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि नहीं? मौर्य जी सवाल तैयार करके आए हैं? बिल्कुल तैयार रहिए, अगर नंबर आएगा जी। रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, उस पे कमाल ये कि दिखता नहीं मदारी, दुनिया के खेल का है क्या आंकड़े जमूरे, जितना बड़ा तमाशा उतना बड़ा मदारी। क्या बात है जी, ये क्या बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं इन लोगों की बात जो है और जो वास्तविकता है वो बिल्कुल ही उलट पुलट, बिल्कुल ही विपरीत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर, आप ही की बात कर रहे हैं, आप ही की बात कर रही हैं। ये वही है ना सर, सारे बातों में खोज के अपने मतलब की बात निकाल देना है, जनता के मतलब की बात तो करनी नहीं है, सिर्फ अपने मतलब की बात को निकाल लेना है। ये पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप ये भी बता दीजिए कि पहले क्या स्थिति थी और आज किन किन देशों ने ऑन अराइवल वीजा फ्री किया है, आप ये जानकारी भी रखिए, अधूरी जानकारी मत दिया। देखिए अधूरी जानकारी मत रखिए। हाँ जी मैं आ रहा, मैं आऊंगा, एक एक करके आऊंगा जी। प्रभात जी, जी नहीं अभी स्वाति जी ने बड़ी अच्छी लाइनें पढ़ी और मैं बड़ा हृदय से आभारी हूँ कि ऐसी लाइन इन्होंने सुनाई, लेकिन ये मदारी का जो खेल चल रहा है यही तो ये कह रहे थे, इन्होंने यही खेल कहा। हाँ ठीक है, पूरा समझ गए। एक्चुअल इस जब इन्होंने अंधा बांटे रेवड़ी आपे ले, मोदी जी का मीडिया जब ये बोला गया, मोदी जी का मीडिया, प्रतीक भाई ये इसलिए बोला जाता है ना, मैं समझ रहा हूँ, पक्ष नहीं ये देश बोलने पर विवश हो जाता है जब आकर के लोग बैलेंस शीट दिखाते हैं और मीडिया उसमें गुणगान करना शुरू कर देती है। आज राम मंदिर की बात हो रही है, सारे मीडिया चैनल पे राम मंदिर चल रहा है। मैं पूछता हूँ मोदी जी बड़े या हमारे शंकराचार्य बड़े जो धर्म के पीठ पर बैठे हुए हैं? और अगर शंकराचार्य से बड़े मोदी जी, एक बात बताओ, बड़े भोले नजर आते हो यार तुम, बीच में आओ जा चौराहे में, रोज दिन दर तीन चार दिन से रोज शंकराचार्य रोज शंकराचार्य। आप ही तो जो जिनको की राम के अस्तित्व पर संदेह था, जवाब ले लीजिए, अब शंकराचार्य भी अच्छे लगने लगे हैं। जवाब ले लीजिए, प्रश्न पूछा है। रसोई घर बना करके गृह प्रवेश नहीं किया जाता प्रतीक भाई, इन्होंने अधूरा राम मंदिर बना करके प्रवेश, अरे क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि रुकिए रुकिए, कह रहे हैं रसोई घर बना के गृह प्रवेश नहीं किया जाता, अरे पंडित जी रसोई बना के ही गृह प्रवेश किया जाता। अरे हुजूर आली शास्त्रार्थ करोगे तो तैयार, मैं तो कह रहा हूँ विरोध राम जी के बारे में कहा जाता है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कबर चल चित्र बाबा, हमें राम सिखाओगे? राम जी के बारे में कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंधकाल बसता है, प्राण जाएंगे। अरे मैडम बैठिए, आता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता का पहले बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बैठिए बाबूजी बैठिए, राजधान का प्रभार का भी कुछ हिस्सा मिला, हमें बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं आपको अपने शो से जोड़ता हूँ। पूरा राजस्थान मिला, क्या बात है, पूरा राजस्थान का प्रभार इनको मिला है और इनके लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत मैं आपको अपने शो से जोड़ता हूँ, इसलिए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता मन से हुई। मैंने कहा था ये बीच में होगा जरूर, बात कहीं से शुरू होगी राम तक जाएगी। आज जिनको राम के अस्तित्व पर सवाल था, आज शंकराचार्य की बात पर भरोसा है। वाह रे रे राम, गजब है तेरी माया और गजब है तेरी दुनिया, गजब है भाई। जो राम पे सवाल उठा रहे थे कोर्ट में, कह रहे थे मुलतवी कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए ये मुकदमा, आज कह रहे हैं शंकराचार्य जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, गजब है भाई। रुको बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, प्रभात जी बोल रहे थे वही बोलेंगे।
आइए प्रभात जी। अरे तुम कहे बैठ गए, बिल्कुल नहीं। अब आपने सवाल खड़ा किया राम का अस्तित्व। पहली बात तो राम अनंत हैं, और जो अनंत होता है उसका कोई अस्तित्व की बात नहीं हो सकती। राम अनंत नहीं है, उनकी कथा भी अनंत है। इसलिए कह रहा हूं कि बाबा तुलसी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुवर सुवर न रूप नहीं पा रहा। तो नाम के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हृदय में पहले स्थापित करो। बाबा तुलसी ने लिखा कि कहत गावत सुसुरत समझत परम पद न पा वही, रघुवीर पद पात हो जब मधुकर दास तुलसी गा वही। बाबा तुलसी ने लिखा कि राम रामेती रामेती रामे रामे। इन सब ने गजब है भाई, ये राजनीति वाले भी बड़े गजब के अखाड़ेबाज होते हैं। हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं। माला किसके लिए लाए हैं? प्रतीक जी आपके सोफे में आपका स्वागत करता हूँ, एनडीएमसी कर्मचारियों की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात मैं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष श्री, वो तो मुझे मालूम था, आजकल फ्री में माला तो कोई पहनाता ही नहीं है, वो तो मुझे मालूम है। यहाँ तो जब राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो राम के दास को क्या छोड़ेंगे। ये जमाना ही यही है भाई साहब, माला पहना दीजिए और उसके बाद बात कहिए। लेकिन मैं वो हूँ जो बात पूरी सुनूंगा आपकी। मैं से मेरा मतलब है मेरे जैसे सहयोगी बहुत सारे लोग काम करते हैं टेलीविजन में, बात सुनेंगे आपकी। बहुत जल्दी से बात कहिए, फिर मैं उधर जाऊंगा। जी बोलिए बाबू जी। नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी को मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि ये टीएमआर कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं, इनको 2014 से ये कार्यरत हैं, और इनको परमानेंट करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी हो तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस की प्रवक्ता आ गई है डिबेट को, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि वहीं ले जाऊं जहां से मैंने शुरू किया था। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मोदी मोदी की गूंज आज भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कोने कोने में हमारे बीच एक ऐसा नेता है जिनको हम सब विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य दिया है। हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत बनाना। कांग्रेस की प्रवक्ता और फिर बीजेपी वाले प्रवक्ता, आराम से ना बैठिए जी। देखिए वो नेहरू थे जिन्होंने भारत को लाके खड़ा किया कि ये विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा हुआ है। ये नेहरू थे जिन्होंने, जो मोदी जी जो आज देश संभाल रहे हैं ना, वो देश जो बना के दिया ना वो नेहरू जी ने दिया था। वो उनका विजन था, वो उनका विजन था कि ये देश अमेरिका के बराबर आना चाहिए। अमेरिका महाशक्ति नहीं, भारत महाशक्ति होना चाहिए। ये नेहरू जी का विजन था और इस विजन को लेकर हर प्रधानमंत्री आगे बढ़ा। और आज जो जो देश आप देख रहे हैं और जिस देश पर हमें इतना गर्व भी है और जिस देश पर मोदी जी को भी गर्व है, वो नेहरू ने बनाया हुआ है। उसके नींव जो है वो नेहरू जी। कहाँ जाना हुआ बहन तुम्हारा, कहाँ जाना हुआ? हाँ जी, कानपुर से। आज कानपुर वाले बहुत आते हैं लोग, आजकल बहुत ज्यादा आते हैं जी। रेखे आराम से, आराम से प्लीज। कम सिंह साहब जी, कांग्रेस की समस्या यही है भाई। अरे नेहरू जी सुनो, क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है, क्या उम्र है? पैदा भी नहीं हुए थे तुम। रुको, कांग्रेस की यही समस्या है। इनको लगता है कि ये भारतवर्ष या देश जो है, ये जब नेहरू आए तब ये भारत देश भी आया। अरे गलतफहमी निकाल दीजिए कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय, यह सदियों से देश रहा है, यह राम का देश है, यह कृष्ण का देश है। और आपकी कांग्रेस भी नेहरू की कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस गांधी की थी। जरा गांधी को पढ़िए, जरा अरविंदो को पढ़िए, जरा तिलक को पढ़िए, इन सबको पढ़िए, तो आपको पता चलेगा। जब आप राम से विमुख होते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि रामायण में जब राक्षसों का जिक्र आता है तो राक्षस भी ये मानते थे, उनकी भक्ति नहीं थी राम में, लेकिन शक्ति को मानते थे और राम के सामने, प्रभु राम के सामने आने का अवसर ढूंढते थे। जब वो आते थे तो उनका उद्धार भी होता है। अरे आप राम से विमुख होकर, मुझे चिंता है आपका क्या होगा। आप जहां पहुंची हैं वहां से भी दुर्गति का कारण होगा। और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कितने लाख करोड़ का कर्ज है। अरे पकड़ तो रहे हैं, पकड़ लिया है। अरे तीन लोगों को, तीन नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है, वसूल रहे हैं। धीरज साहू से 350 करोड़ वसूला है, ये सारी पाई पाई वसूलेंगे। देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, बड़े साफगोई के साथ कहूंगा कि जब राम की शरण कोई आता है सिंह साहब, कोई भी हो,
कोई भी हो, उनका बैरी भी हो, उसको सदगति मिलती है, दुर्गति नहीं है ना। तो मैं यही कहूंगा कि सबकी सदगति हो, दुर्गति किसी की। राम मतलब, अरे बोलो बताओ, मोदी जी का ना क्या सस्ता हो गया तुम्हारा? हाँ, बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो जो मोदी के बारे में बुराई कर रहा है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। साढ़े 500 वर्ष के बाद आ रहा है, तुम्हें सब खुशी नहीं है क्या? क्यों नहीं है? तो राम का माला ना जपो। एक लोहार की कहाँ से आना हुआ? आगरा से। आगरा नंबर नहीं आएगा आज कल जी? मैं आया, जस्ट वेट अ मिनट जी, मैं दे रहा हूँ। बस दो सेकंड का रिप्लाई तो दे दीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब गोडसे वादे गांधी का नाम लेते हैं। जब गांधी जी की हत्या की गई तो उनके आखिरी शब्द है, हे राम, हे राम। और उसी राम को गोली मारने वाले आज अपने आप को राम भक्त बना रहे हैं। गांधी राम भक्त है। उन्हीं राम को कांग्रेस ने काल्पनिक बनाया, गांधी जी के आत्मा के हत्यारा है गांधी जी। सेटल डाउन प्लीज, सेटल डाउन प्लीज, सेटल डाउन, सेटल डाउन प्लीज, बैठिए। सच बताएं, जो राम भक्त होगा, असली राम भक्त होगा, जो इस प्रोग्राम में उसकी शायद तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जो असल में राम का प्रेमी है, वो प्रोग्राम ये देख ही नहीं रहा होगा। लेकिन अगर उसको भूल से उसकी नजर अगर इस पे पड़ जाएगी, भैया मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, अगर भूल से भी इस प्रोग्राम के फ्रेम पे नजर पड़ गई होगी किसी राम प्रेमी की, कहें वो सोच रहे होगा, वो व्यक्ति सोच रहा होगा, वो राम भक्त सोच रहा होगा, ये कैसा व्यक्ति है जिसके हाथ में माइक है, ये कैसे लोग हैं जो राम पर बहस कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस देश की पहचान है, कोई संदेह नहीं है इसमें, वो हमारा पुरखा है। तुम भगवान मानो ना मानो, चलेगा चलेगा। मैं आ गया, मुझे मालूम है आपको बोलना है, लेकिन वो हमारी आत्मा है, हृदय नहीं, आत्मा, आत्मा है वो हमारी, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। आप भगवान मानो या ना मानो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानो, इतना कहो मैं आया आया, लेकिन इतना तो रखोगे कि हम उस पर ये बहस कर रहे हैं, राम पर बहस कर रहे हैं, जो इस देश की पहचान है। मैं आया जी। मैं बस इतना बोलूंगी इनको कि जिन्हें राम का रह नहीं पता, राम है क्या, जय श्री राम, जय सिया राम, हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसने भारत में जन्म लिया। और दूसरी बात, इनके हम बोलेंगे जय सिया राम तो उसमें राम वास करेंगे, ये बोलेंगे गुस्से में जय श्री राम, उसमें सब कुछ है लेकिन उसमें सिर्फ राम नहीं है, क्योंकि इनका अहंकार है, ये हमारे सिया राम है। और पहले हमारे सनातन धर्म में, भाई एक मिनट रुको रुको, रिएक्शन नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। मेरी बात सुनो, बोले राम सकोप तब, वो बहुत बात की बात है, पहले कई कांड आएंगे उससे। भाई मुझे मजबूरन इधर आना पड़ा, मैं नहीं, आइए भैया, ये नहीं बता दूं इनको, हाँ। कि मैं आपको बता दूं, इतना राम को आपने नहीं पढ़ा होगा जितना आप यहाँ पर एक चापलूसी करने लगे हैं। अगर हम बात करें इस मुद्दे पर देश के, तो हम उस पर बात करते हैं। ये देखिए, 2000 बच्चों को लेकर के दिल्ली में बैठे हुए, वर्दी नहीं दे रही है सरकार। ये जो रामदेव जी आए हुए हैं आंदोलनकारी आर्मी के, इस मुद्दे पे बात कीजिए। राम मंदिर के सबसे पहले जो दरवाजे खोले थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खोले थे। इस बात को आप लोग जान लेना कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दरवाजे खोले थे। और दूसरी बात, आज जिस देश में आप हो उसको बना करके जो दिया वो नेहरू, गांधी, सुभाष, पटेल, गांधी, न जाने कितने नाम खास है। और उससे पहला जो देश था वो गुलामों का देश था, गुलामी में जीने वाले लोग और गुलामी करने वाले लोग और लिखत के माफीनामे लिखने वाले लोग ना ही कांग्रेस में हुए हैं और ना ही होंगे। क्या हुआ 1988 में जब ताले खोले राजीव गांधी जी ने, तो मंदिर का भी आह्वान करते थे, कार सेवक नहीं मारे जाते, बच जाती उनकी शहादत। और देश में एक अलग विडंबना चल रही है, जो तिलक लगाए वो भाजपा का नजदीकिया, और जो राम मंदिर की बात करे
वो है गोदी मीडिया। आपको सत्य तो स्वीकार करना नहीं है, हमें तो विश्वास था काम सारे के सारे देश विदेश में होते जाएंगे, मोदी जी कुछ ना करके बहुत कुछ कर जाएंगे, होगी होगी देशों विदेशों में वाह वाह, पर कुछ आप जैसे ही मोदी के कार्यों का विकास का मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, यह जवाबी कीर्तन नहीं है, बैठिए बैठिए। मैं आऊंगा आऊंगा, बैठे चुपचाप बैठे। कभी कभी मुझे मालूम है आपको कुछ बोलना है, ये नहीं नहीं देखे देखे नहीं 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 देखे, बैठिए। मुझे आपका परिचय मिला है और सबसे बड़ी चीज ये है, चुपचाप आराम आराम से। ना ना ना, मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं बता पाया क्योंकि देर से, ये प्रोग्राम दरअसल पब्लिक का, हाँ हाँ मैं हाँ ठीक है मैं सुनूंगा, ये जनता का है शो और जनता ही यहाँ पे सर्वोपरि है। ना तो कोई आपका जवाब किसी जनता ने ही दिया, और कोई चापलूसी के लिए यहाँ नहीं आता, और चापलूसी करके कोई तो प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा, है ना जी। कोई जब मैं आ रहा हूँ अनवर, आ रहा हूँ तुमसे जरूर सुनूंगा, हाँ बिल्कुल जय श्री राम पे सुनूंगा अनवर, और मैं आज आपसे भी सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा जी। पहले बहन की बात, कहाँ से आना हुआ? मैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की, क्या नाम है? मीना मिश्रा। मीना जी कैसे आना हुआ यहाँ? बस आपका शो देख। बहुत अच्छी बात, आगे आ जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, महिला को थोड़ा रास्ता दिया करो, कैसे राम भक्त हो? सर पहले तो सबको यथोचित यहाँ पे जितने लोग हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की मंगल कामनाएं। अनवर जाना नहीं, निराश मत हो जी। मुझे गिर जाऊंगी नीचे। सर मुझे इन सब मुद्दों से हटके कुछ और कहना था जी। सर अभी जैसे हम लोग के सवर्णों में भी गरीब होते हैं, काफी गरीब होते हैं, और आरक्षण भी उनको नहीं मिलता है, तो एजुकेशन लोन लेते हैं, तो मुझे आपके माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाना था कि जैसे ये लेने के बाद, हाँ एजुकेशन लोन लेने के बाद इसका जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, उसको सरकार थोड़ी कम कर दे, ताकि नहीं मुफ्त नहीं मांगा इन्होंने। एक मिनट बोले दीजिए सर, थोड़ी कम कर देगी ना। बहन क्या नाम था आपका? मीना मिश्रा। मीना जी आपका रियल इशू है, और एक बात और बता दूं, मैं कोई नहीं, मैं तो क्या पिद्दी का शोरबा, मैं एक बात कह सकता हूँ, इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनमें से अगर 10 सबसे बड़े राम भक्त छांटे जाएंगे, उसमें से सबसे ऊपर आप होंगे। जो जीवन की सच्चाई को सामने लाके रख सके, जिसके आंख में पानी इसलिए आ जाए कि कहीं कोई तो होगा जो चिराग जला के पढ़ रहा होगा, जिसके पास इस बात पे कंधे झुके होंगे कि मेरा बाप कैसे कमाता है और मैं कैसे लाके इसको कैसे कर्ज पूरा करूंगा। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, और मैं समझता हूँ बहन, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ सारी चीजें, वहीं से निकल के आया हूँ, कोई बड़े शहर में नहीं पैदा हुए, बहुत छोटे से शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वहीं से सारी चीजें डिराइव की हैं। तो मैं आपकी भावनाओं को, लोन जो है एजुकेशन लोन जो है वो भी ज्यादा लग रहा है, उसको कुछ कम किया जाना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी शुक्ला है, मैं कानपुर से हूँ। हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया था, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ तो सारे लोग सकलांग है, मैं विकलांगों की नेता हूँ, मैं दिव्यांगों की, विकलांग जी, क्योंकि दिव्यांग बना देंगे तो फिर हम तो देवता हो गए, जो विकलांग है फिर देवता हो गया, फिर उसे वो दिव्य है, फिर उसे कुछ करने की जरूरत क्या है? विकलांग का मतलब जिसका अंग व्याकुल हो, कुछ करने के लिए सरकार कोई मौके नहीं देती, उनके लिए रेहड़ी पट्टी में व्यवस्था होना चाहिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। इतनी सरकारें आई और गई, पर किसी ने भी विकलांगों के हक के लिए आवाज ना तो लोकसभा में ना विधानसभा में, परसेंटेज नहीं बताते, विकलांगों के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही है। हर सरकार इसी तरह से रही है, पर विकलांगों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो एक ही चीज मांगूंगी कि जो वृद्ध विधवा विकलांग और जो किन्नर है हमारे देश का, वो समाज का सबसे दवा, मतलब किन्नर मान लीजिए आप, पैसा मांग, नहीं नहीं नहीं, किन्नर को किन्नर ही बोलिए, मुझे समझना, वो भी हाशिए पे है, वो भी हाशिए पर है, तो मैं उनकी डिमांड चाहूंगी सरकार से कि लोकसभा विधानसभा में इनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके और लड़ के मांग सके, अपने अधिकार वो बना सके। मैं यही डिमांड, मैं आपको बताऊं, ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि पहले नंबर पे राम भक्त मैं आपको रखूं
या इनको रखूं? आप दोनों लोग बराबर बराबर हैं, दोनों लोग बराबर बराबर पे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर पे हैं। और जो बाकी लोग हैं वो तो मालूम है मुझे कहेंगे। जय श्री राम। सबके घर में संपन्नता हो, सबके घर में सुख हो, शांति हो, समाज में सौहार्द हो, समरसता हो, एकत्व हो, सब में कहीं कोई भेद ना हो। जो खाई है वो कम हो अमीर गरीब की, वो खाइयां कम होनी चाहिए, समाज में समरसता का भाव होना चाहिए। ये बात है, ये भाव है, मेरा भाव है, कम से कम मैंने अपनी बात रखी। लेकिन मुझे जब ये रामचरितमानस की पंक्तियां ये एवी ब्रदर्स और राहुल गा रहे थे तो सबसे मालूम है सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हो रहा था? कांग्रेस की प्रवक्ता और प्रभात जी। हाँ जी, नहीं नहीं देखो देखो देखो, हाँ नहीं, अरे मैं प्रसन्न, मैं हृदय से कह रहा हूँ। हो सकता है इनके लिए, नहीं 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 नहीं, गलत गलत, शांत हो जाओ। प्रभात, प्रभात को चांस मिलना चाहिए। नहीं, ये 14 के बाद राम जी को जानते हैं, मेरे राम जी जन्म से मेरे साथ हैं, तो मुझे इनको जवाब नहीं देना। एक बात, राकेश भाई, राकेश भाई, आपसे एक बड़ा सीधा सा सवाल मेरा है। जब मैं ब्रेक में बाहर गया था तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं अगर पूछ लूं राकेश भाई से, 1961 में बिना एक गोली चलाए पुर्तगालियों से गोवा को हमने आजाद करवाया, उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। 65 में पाकिस्तान को ना को चने चबाए, हमने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। 67 में सिक्किम लिया, हमने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। 71 में भूगोल बदला विश्व का, हमने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। दो दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए हमारी पार्टी से, हमने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा। क्या आप मुझे आश्वस्त करोगे कि आप राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगोगे? क्यों? क्योंकि आपने पुलवामा के शहीदों के पहले इसका जवाब दो प्रभात जी कि गोली क्यों चलवाई थी? और अगर सौहार्द पैदा नहीं कर सकते थे तो वैमनस्यता इतनी क्यों पैदा हुई? ये वैमनस्यता जिन्होंने पैदा की 1925 से लेकर के शुरुआत करी थी और आज देश को हालत में डाल दिया। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना घूम रहा है, ये हालत इन्होंने कर दिया। एक भाई को दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। जी जी, देखिए प्रतीक जी, बीच में डिबेट में आपने दो महिलाओं से बातें पूछी। एक्चुअल में मैंने कल भी कहा था, देश को राम राज्य चाहिए। राम के नाम पे हम छोटे छोटे थे तो एक दूसरे को राम राम जी बोलते थे। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जय श्री अपना और राम एक रह गया। सुबह से शाम तक 50 बार राम राम बोलते थे तो 100 बार राम का नाम लिया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, ये पाप कर रही है। ठीक ठीक, राम जी को जो काल्पनिक बता के आप पुण्य का काम कर रहे थे इस देश में। मैं एक बात और कहूंगा, मैं कहना चाहता हूँ, आप चुप रहिए। राम जी को काल्पनिक बताने के बाद आप लोगों ने ही राम का एक 90 से पहले इस देश में राम का नाम ले लो तो एक गुनाह माना जाता था इन लोगों की सरकार थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं। वो जिक्र, वो जो जिक्र कर रहे थे, मैं रुके, नहीं मैं दूंगा, नहीं नहीं, सारे लोग पहले बैठिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे जी। देखिए प्रतीक जी, जहां तक बात है आस्था की, अगर बात करें दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल जी की पहली सरकार है जिसने अपने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा शुरू करवाई। नहीं नहीं, चलिए बीजेपी। एक तो पूनम जी ने अभी कहा कि एक तरह से जैसे लोग झूठ बोलते हैं प्रभात जी से लेकर, सब पूनम जी ने कहा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। अरे एक पर एक मिनट, एक मिनट पूनम, पूनम पूनम, आप नोट करिए, आप चुनाव लड़ चुकी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। 1 फरवरी 1986 4:40 पर जिला अदालत, जिला जज के एम पांडे ने फैसला सुनाया, तब अदालत बोला। एक मिनट, यही है। अब पूनम पांडे जी, श्री का मतलब, अब पूनम पांडे को श्री का मतलब बता दूं जरा। देखिए 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 देखिए, हम चार नहीं, ना जवाब आप नहीं देंगे, जवाब मैं ही दूंगा। फैसला ये, बैठिए बस, ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां मंदिर बन रहा है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी डिबेट है और मैं ऐसे ही चलाता हूं इसको। बैठिए वहां,
जी अनवर, सर मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात ये थी कि मैंने इनको डेट सही बता दिया, चेक कर ले। ठीक है, वो ठीक है, बांडे का फैसला था जस्टिस। दूसरा, इन्होंने और इनके नेता सिया बलराम सिंह, श्री का मतलब, अरे हिंदी व्याकरण पढ़िए आप, हिंदी व्याकरण में श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। प्रतीक जी, मैं अनवर प्रतीक जी, मेरे भाई एक भी यहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे कपड़ों से पहचाना जाता है। मुझे जब से मैं पैदा हुआ मैं साथ पे कलावा भी बांधता हूँ, टीका भी लगाता हूँ, बताइए मुझे क्या पहचानेंगे आप? मुझे क्या पहचानेंगे आप? आप यहाँ पर कपड़ों की बात करेंगे, हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर है, मैं यहाँ से काटता हूँ राम निकलेगा। ये मुसलमान कह रहा है, आज अयोध्या के अंदर कितनी मस्जिदें थी जिन मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करा गया, क्या किसी मुसलमान ने आवाज उठाई? यहाँ पर आके मेरे भाई कह रहे राम राम, मैं कह रहा हूँ श्रीपति राम चंद्र महाराज की। मुझे श्री राम बोलने से कोई दुख नहीं है, ना मेरा समुदाय कहता कि आप श्री राम मत बोलो। अरे भाई आप बात क्यों रहे हो? आज आपने खुद कहा ना ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, वाकई सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान मिलकर जो बात हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता देते। अरे हम भी राम को मानते हैं, 22 तारीख को भंडारा लगा रहे हैं, हर काम करते हैं, और आपके चैनल पर आकर मैंने हमेशा श्री राम की बात करी है। आप बताइए, आप लोग इतनी तेज आवाज नहीं निकाल सकते, सबसे ज्यादा तेज आवाज मैं निकालूंगा, श्री राम। और अनवर अगर आपकी आवाज निकलती है तो उसमें सारे लोगों की आवाज जुड़नी चाहिए, तभी बात है। जी जनाबे अली, आप तो रह गए। मंगल भवन अमंगल हारी, अरे प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर से बोलिए, मंगल भवन। नहीं नहीं नहीं, मन हो तो बोलिए। नहीं तो कहेंगे ये एंकर ऐसा गड़बड़ है, ये बुलवाता है जानबूझ के। एक बात आज बहुत अच्छी लगी अनवर की, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही अनवर। ये लीजिए माला, आ जा, बहुत अच्छी बात कही। बोलिए, मंगल भवन आगे बोलिए, मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। आज आपके माध्यम से, आज आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और खासकर उत्तर प्रदेश के वासियों से, मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूं कि 22 जनवरी को ये महापर्व आ रहा है, तो अपने उस दिन आप उस दिन मांस की दुकानें बंद करें, होटल बंद करें, पकवान बनाएं और अपने पड़ोसी को पकवान खिलाएं।